Hi guys, welcome to my channel. In this video, we are going to learn how to make a logo. हम दो वेबसाइट्स को यूज करके लोगो बनाना सीखेंगे. नंबर वन, जिसके अंदर हमें डिजाइंस ऑटो पे बिल्ड इन मिलेंगे, हम उनको यूज करके उनको एडिट करके अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं, अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं. और नंबर टू, जिसके अंदर हमें जस्ट सिंबल्स, फॉन्ट, स्टाइल, कलर वगैरह मिलेगा, हम खुद से अपने सिंबल्स यूज करके, अपना फॉन्ट वगैरह यूज करके हम खुद से अपना लोगो खुद से क्रिएट करेंगे. ये वीडियो देखने के बाद अपनी वेबसाइट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अपना लोगो खुद से क्रिएट कर सकते हैं, और आप इसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं. फाइवर के ऊपर, आवर के ऊपर लोगो डिज़ाइन की जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों के डिज़ाइन करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं. जी गाइस, तो इस तरह की यूजफुल वीडियोज़ आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं. अगर ये वीडियो आपको देखने के बाद अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहें. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि लोगो खुद से कैसे क्रिएट करते हैं. जी गाइस, तो लैपटॉप के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपने गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और यहाँ से कैनवा की एक वेबसाइट ओपन करनी है. कैनवा के बारे में आप सब लोग जानते होंगे. मैं इसको जब से यूट्यूब अपना चैनल क्रिएट किया है, अपने थंबनेल्स और जो भी चीज़ मुझे क्रिएट करनी होती है उसके लिए मैं कैनवा को यूज़ करता हूँ. कैनवा बहुत ही अच्छी ऐप है, फ्री में भी है, प्रीमियम में भी है. आप इसको फ्री में भी यूज़ करके बहुत सी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं. मैं फिलहाल जब से चैनल स्टार्ट किया मैंने इसको बाय नहीं किया, फ्री में यूज़ कर रहा हूँ. तो कैनवा को यूज़ करते हुए हम अपना लोगो कैसे बनाएंगे? लोगो बनाने के लिए हमें यहाँ से ऊपर टेम्पलेट्स के ऊपर आना है और यहाँ से आकर लोगो के ऊपर क्लिक करना है. यहाँ पर हमारे पास लोगो के जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो सारे आ जाएंगे. हम यहाँ से इसके जो टेम्पलेट्स हैं लोगो वगैरह के, ये सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उनको एडिट कर सकते हैं. सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी है वो चूज़ करनी है, बिजनेस ब्यूटी. मेरी जो कैटेगरी है वो टेक्नोलॉजी है. मैं यहाँ से सर्च करता हूँ तो ये टेक्नोलॉजी की कैटेगरी है, मैं इसको चूज़ करता हूँ. तो अब मेरे पास जितने भी लोगो वगैरह आएंगे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगो आएंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से लोगोज हैं. कुछ यहाँ पर फ्री हैं और कुछ जिनके साथ ये डॉलर का निशान आ रहा है ये पेड है. आप इनको यूज़ नहीं कर सकते. इनको यूज़ करने के लिए आपको इसका जो पेड वेरियंट है वो खरीदना पड़ेगा. हम यहाँ से कुछ भी, ये एक लोगो है, मैं इसको यूज़ करके आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा. इसको ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये जो लोगो है वो ओपन हो चुका है. आप इसको एडिट कर सकते हैं. जैसे ये गूस टैग लिखा हुआ है, मैं इसको एडिट करता हूँ. यहाँ पर लिखता हूँ टैग, और ये जो टैग लिखा हुआ है इसको लिखता हूँ ट्रेंड्स. मेरा चैनल टेक ट्रेंड्स के नेम से, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ. ये जो स्टार्टिंग वाला टेक लिखा हुआ है मैं इसको ग्रीन, इसका जो कलर है वो ब्लू कर देता हूँ यहाँ से. और ये जो ट्रेंड्स लिखा हुआ है इसका कलर रेड कर देता हूँ. अब हमारा ये जो लोगो है वो कुछ इस तरह का नजर आ रहा है. ये जो नीचे लिखा हुआ है इंस्पायर द नेक्स्ट, इसको चेंज करते हैं. यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू वीडियो इन एवरी अदर डे. मैं इसका जो कलर है ये कुछ भी रख सकता हूँ अपनी मर्जी से. मैं यहाँ से इसका जो कलर है वो जिस तरह के सिलेक्ट करता हूँ, और इसको पकड़ने के बाद यहाँ से इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ ताकि ये इसके साथ अटैच हो जाए. अब हमारा ये लोगो है तैयार है. डाउनलोड्स के ऊपर आने के बाद इसको डाउनलोड कर सकते हो. नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है दी होट. इसको यूज करते हुए मैंने ऑलरेडी एक लोगो बनाया है, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो मैं बता देता हूँ कि हमने कैसे बनाया है. सबसे पहले ऐड सिंबल के ऊपर जाने के बाद ये एक सिंबल था, इसको चूज़ किया है. सिंबल लेने के बाद ऐड टैक्स के ऊपर गया. टैक्स के ऊपर आने के बाद मैंने ये एक टैक्स लिया और इसको ये कलर और ये यहाँ से इसका जो फॉन्ट है वो ये वाला चूज़ किया. फॉन्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ये जो मी लिखा हुआ है सरप्राइज मी, तो सरप्राइज के लिए मैंने लैदा फॉन्ट लिया और मी के लिए लैदा फॉन्ट. इसका फॉन्ट और कलर मैंने चेंज किया. इसको चेंज करने के बाद गिफ्ट सेंटर के ऊपर यहाँ पर मैंने इसका जो कलर वगैरह और इसका जो फॉन्ट वगैरह ये चूज़ किया. तो इस तरह आप खुद से, आपको कोई टेम्पलेट नहीं मिलता लेकिन बहुत सी शेप्स और बहुत सा टेक्स्ट के फॉन्ट वगैरह और कलर वगैरह मिल जाते हैं. इनको यूज़ करके आप इसको जो बना सकते हो. अब आपके पास कोई भी जो लोगो है, फॉर एग्जाम्पल ये जो लोगो हमने यहाँ से सेव किया है, हम इसको सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं. यहाँ पर आपने अपना ईमेल देना है. सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आपने लोगो बनाया है इसकी फाइल आपको ईमेल कर देगा. अब हम अपना जो ईमेल एड्रेस है वो चेक करते हैं. फॉर फ्री लोगो, ये लोगो की फाइल है, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करता हूँ.
फाइल लोड डाउनलोड हो चुकी है और ये इन्होंने लिंक दिया है कि जब भी आप अपना जो लोगो है उसको एडिट करना चाहे, तो ये वो लिंक है जिसको यूज करके आप अपना जो लोगो है वो कभी भी किसी भी वक्त एडिट कर सकते हैं। अब हम वापस डाउनलोड्स के अंदर आते हैं। डाउनलोड्स के अंदर ये एक कंप्रेस्ड फोल्डर है, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लोगों की डिफरेंट फाइल्स आपको इसने प्रोवाइड कर दी है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैं फाइल ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका लोगो है, इसका जो बैकग्राउंड है ये व्हाइट कलर में आ रहा है। अब हमने ये जो लोगो है इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो इसके लिए हमने सिंपली यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड को सर्च करना है। रिमूव बैकग्राउंड की एक वेबसाइट आपको नजर आएगी, आपने इसको ओपन करना है। पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके देता है। हमने अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से अपनी जो इमेज है वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो लोगो है वो डाउनलोड्स के अंदर पड़ा हुआ है, मैं डाउनलोड्स के ऊपर जाता हूँ कंप्रेस्ड, तो मैं इसमें से एक फाइल सिलेक्ट करता हूँ और ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये हमारा लोगो था, उसने हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करके हमें दे दिया। अब देख सकते हैं कि आप हमारा लोगो कहीं भी अगर पेस्ट होगा तो इसका बैकग्राउंड नहीं आएगा। हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं, हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ये वो तरीका था जिसको यूज करते हुए हम अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं। कैनवा को यूज करते और दी होथ को यूज करके हम अपना लोगो खुद से क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी लोगो जैसा हमने कहीं पे देखा होगा उसको हम यहाँ से चीजें लगाने के बाद क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।